कहाँ जा रहे हो? मरीज थोड़ी देर के लिए अस्पताल से बाहर जा रहा है, जा सकता है। अच्छा, तो ये घर तुम्हें अस्पताल लगता है? और नहीं तो क्या, मेरे लिए तो अस्पताल ही है, क्योंकि हमारा तो यहाँ रोज इलाज ही होता है। सही सही बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा था। एक काम करोगे? पूछ के बेइज्जती मत करो, करना तो पड़ेगा ही। तो मौसम बहुत खराब हो रहा है, गर्मी की जगह बारिश होती है। देखो, पंखा सुधरवा सकता हूँ, टीवी सुधरवा सकता हूँ, लेकिन दो चीजों को सुधरवाना भगवान के हाथ में है, उसमें से एक मौसम है। और दूसरी चीज बोलो ना, दूसरी चीज क्या है? कुछ नहीं है, तुम काम बताओ ना, काम क्या है? घर में एक ही छाता है, वो भी टूटा हुआ है, एक और छाता ले आना। घबरा रही हो तुम, बारिश ऐसे ही हो रही है, दो दिन में गर्मी पड़ने लगेगी, बाद में ले आऊंगा छाता। एक हफ्ते से रोज बारिश हो रही है, मैं कपड़े धुलती आज हूँ, सूखते 3 दिन बाद हैं। जिस मौसम में लू चलनी चाहिए उस मौसम में ठंडी हवा चल रही है। पति भगवान होता है पर है नहीं, सुनाना है तो ऊपर देख के सुनाओ, शायद तुम्हारी आवाज पहुंच भी सकती है वहां तक। तुम ला रहे हो छाता कि नहीं? ले आऊंगा, पहले वो टूटा वाला छाता लेके आओ, उसे भी सुधरवा दूंगा। बाद में सुधरवा देना उसे, पता नहीं कहाँ रखा होगा। ये क्या बात हुई, घर तुम संभालती हो, चीजें तुम संभालती हो, मुझे तुम संभालती हो, और बोल रही हो पता नहीं छाता कहाँ रखा है। नहीं है ना याद, ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढो ना और जल्दी ला के दो, दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। लो फोन भी आ गया। हाँ भाई, आना जल्दी, कहाँ फंस गया? भाई तू जानता है मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी पूछ रहा है कहाँ फंस गया। अच्छा, अभी घर में ही है क्या? चल रखता हूँ, आता हूँ जल्दी। कौन था? दोस्त है, और कौन था? नाम क्या है दोस्त का? नाम तो होगा उसका? नहीं, नाम तो नहीं है अभी उसका, बदनाम है। नहीं बताना तो मत बताओ, मैं पता लगा लूंगी। रहने दो, मैं ही बता देता हूँ, अंकित नाम है उसका। अंकित? नहीं भी बताते तो मैं पता लगा लेती, जानते तो हो। इसलिए तो मैंने खुद बता दिया, क्योंकि अगर तुम पता लगाती तो अंकित को अंकिता कर देती। नहीं, ऐसा भी नहीं करती मैं। बिल्कुल ऐसा ही करती तुम, तुम्हारे डर से मैंने अपने उन दोस्तों के नाम फोन से ही हटा दिए जिनके नाम लड़कियों से मिलते जुलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लड़कियों के नाम ही लिखे हैं जो लड़कों के नाम से मिलते जुलते हैं? भगवान से डरो, इतना अत्याचार मत करो। नहीं, लेकिन ये हो सकता है ना कि तुमने अपने फोन में अनुजा को अनुज कर लिया हो, प्रतिमा को प्रीतम कर लिया हो। तुम्हारी कसम, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसको छुपाना पड़े। नहीं तो इतनी सुंदर पड़ोसन है भूरी भाभी, उनके नाम को फोन में भूरी भाभी की जगह भूरा भैया कर लेता। ठीक है, छोड़ो, रहने दो। लगता है फिर से काले बादल आ रहे हैं आसमान में। जिंदगी में तो कब से हैं। जा रहे हो तो जाओ, छाता लेके आना लौटते समय। मतलब तो जो छाता टूटा रखा है उसको सुधरवाना नहीं है? टाइम लगेगा ना ढूंढने में, बोल तो रही हूँ पता नहीं कहाँ रखा है। अगर मैंने 2 मिनट में ढूंढ दिया तो ले जाके सुधरवा लाना। वो तो टंगा है बेचारा आंखों के सामने। अच्छा, यही था क्या, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सही है, कहाँ टूटा है? अरे मुझे लगा था टूटा है। लो पकड़ो छाता, मैं जाता हूँ। छाता नहीं लाना, सही तो है ये। हाँ तो ठीक है ना, नहीं लाऊंगा। तो जा क्यों रहे हो, वो गेहूं पिसवाने जाना था। Thank you.
अरे इसकी एक तिल्ली तो टूटी हुई है। बोल रही थी ना मैं, टूटा है छाता, मानते नहीं हो। क्या करूं, सुधरवा लूं? हाँ ठीक है, जाओ।